गुड मॉर्निंग क्लास फोर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 9.2. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट है आपको. देखिए, अभी तक आपने उसमें एडिशन में आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं, अब आप सब्ट्रैक्शन में पढ़ोगे. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि क्या होता, मैंने कल बताया था ना कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम नंबर्स होंगे वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, तो देखिए 5, 5, 5 है, तो मैंने 5, 5, 5 का एलसीएम ले लिया. ठीक है, इसके बाद फिर क्या किया, 5 ले लिया नीचे, क्योंकि एलसीएम क्या है आपका 5 ही तो आया. फिर इसके बाद 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1, 4 जा 4. फिर सेम इसमें लिखेंगे 1, 1 जा 1. फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 2 जा 2. ठीक, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता है, तो आप कर लीजिए 4 ऐसे लिखा, -1, -2, -3 हो गया. ठीक, तो 4 में से 3 माइनस किया कितना आया, 1/5. नाउ दिस इज योर आंसर. ओके बच्चों, एंड क्वेश्चन नंबर जी देख लीजिए, इसमें भी सेम आपका ऐसे ही है. ये देखिए, इसमें भी आपके देखिए डिनोमिनेटर सारे सेम लिखे हुए. अब इसमें 17 का एलसीएम निकाल लिया, तो कितना आया एलसीएम, 17. ठीक है, ये आपका 17 एलसीएम आया. इसके बाद फिर आपका देखिए यहाँ पे 17 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 15, 1 जा 15. फिर यहाँ पे 17 तो 1 आएगा, तो 1, 5 जा 5. फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7. फिर 15 ऐसे रखा और माइनस माइनस प्लस, तो इसको ऐड कर दे, 15 + 12 कितना हुआ, 12, 5 + 7. ओके, तो 15 में 12 माइनस किया कितना आया, 3, तो 3/17. ओके, ये आपका आंसर आ गया. इसके बाद फिर आपके अनलाइक फ्रैक्शंस आते हैं. ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में 5/6 - 1/4. ठीक है, आप क्या करना, आप देखिए अनलाइक फ्रैक्शन में देखिए अलग अलग है कि नहीं बेस, तो क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम निकालिए. जब 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, 6 और 4 का निकाला कि नहीं निकाला, तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले ले लीजिए. तो देखिए 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा. फिर इसके बाद आपको 3 से लेना है, तो कितना, फिर देखिए 2 से जा रहा अगेन, तो फिर से 3 तो ऐसे ही रखा, 3 ले लीजिए. ठीक, 2, 1 जा 2. फिर 3 से ले लीजिए, तो 3, 1 जा 3, 1 तो वैसे ही था, तो कितना आ गया, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12. ठीक है, आपका कितना आ गया, 4, 3 जा 12, तो कितना आंसर आ गया आपका, 12 आ गया, तो 12 यहाँ पे नोट कर लिया. ठीक है, अब इसके बाद करिए 6, 2 जा 12, 2 आया कि नहीं आया, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करा दीजिए, तो 5, 2 जा 10 आ गया. ठीक है, इसके बाद फिर 4 का करवाइए आप 12 में. ठीक है, तो कितना आ गया, 4, 3 जा 12, 3 से जब 1 का करेंगे तो 3, 1 जा 3. ठीक है, तो कितना आ गया, 10 में 3 माइनस किया तो कितना आया, 7/12. ठीक है, अब इसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन इसको देखिए कि 2/3 - 1/5, तो इसमें भी क्या करेंगे, तो देखिए इसमें भी आपको 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले 3 से करिए, फिर 5 से करिए. देखिए करा मैंने, 3, 5 जा 15. ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे करेंगे तो 3, 5 जा 15, 5 आया, 5, 2 जा 10, 3, 5 जा 15 कितना, 5, 3 जा 15, तो 3 आया, तो 3, 1 जा 3, तो 10 में 3 माइनस किया कितना आया, 7/15. यही आपका आंसर हो गया. ठीक है, इसके बाद अब देखिए 3 वैल्यूज़ अगर 3 डिजिट में दे रखा है तब सेम आपको वही करना है, तो इसमें भी क्या करना होगा आपको, 15, 5, 10 का एलसीएम निकाल लीजिए. तो 15, 5, 10 का जब एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 2 से जा रहा है कि नहीं, तो कर दीजिए 15 ऐसे ही रखा, 5 ऐसे ही रखा, 2, 5 जा 10. अब देखिए 3 से 15 चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये कैंसिल हो, तो 3, 5 जा 15, 5 ऐसे ही रखा, 5 ऐसे रखा. अब देखिए 5 से पूरे पूरे डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं, 5, 1 जा 5, 5, 1 जा 5, 5, 1 जा 5, तो 2 × 3 × 5, तो कितना आ गया, 30. देखिए 30 रखा, अब देखिए 5, 15, 2 जा 30, 2 आया, तो 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 2 जा 20. फिर 5, 3 जा 5, 6 जा कितना आएगा, 30 होगा, 6 1 का करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, 10 से करेंगे 10, 10 से जब करेंगे तो 3 आएगा, करते 10, 3 जा 30, 3 से 1 का करेंगे तो 3 आ जाएगा. अब देखिए 20 ऐसे ही नोट किया, देन इसके बाद माइनस माइनस प्लस, ओके, तो 20 - 6 - 3 - 9, ओके, 20 में माइनस करेंगे 9 को, तो कितना हो जाएगा, 11/13. नाउ दिस इज योर आंसर. बच्चों अगर इम प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तब कैसे करोगे, देखो आप,
तो आपको क्या करना होगा कि देखिए, पहले पहले तो क्या करेंगे आप, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, अगर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, सॉरी, तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या करिए, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाइए, इसके बाद सॉल्व करिए। तो पहले हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, तो टू से टू का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वन कर देंगे, तो टू टू जो फोर प्लस वन, तो टू टू जो फोर प्लस वन, तो कितना है, फाइव अपॉन टू, वन अपॉन टू को एज इट इज नोट कर देंगे। अब देखिए टू इसमें सेम है, तो टू आपका आ जाएगा। देखिए मैंने एलसीएम भी निकाल के आपको दिखा दिया, ठीक है, तो टू आ जाएगा, तो टू से जब टू को करेंगे तो वन आएगा, तो वन फाइव जो फाइव, फिर टू से टू को करेंगे तो वन आएगा, वन वन जो वन, तो फाइव में वन माइनस किया कितना आया, फोर, फोर अपॉन टू। अब देखो टू के टेबल में फोर आता है, तो ये कैंसिल हो सकता है, टू वन जो टू, टू टू जो फोर, तो कितना आ गया आपका, टू आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अगर मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है और इसके बाद इन प्रॉपर फ्रैक्शन भी दे रखा है, तब क्या करोगे, पहले आप इन प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लो सबको, ये तो थ्री दे रखा है, तो टेन इंटू टेन प्लस सेवन, तो टेन इंटू टेन प्लस सेवन, माइनस थ्री ऐसे रखा, टू इंटू टेन प्लस टू, टू इंटू टेन प्लस टू, इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उससे इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो टेन टेन जो हंड्रेड, हंड्रेड प्लस सेवन कितना हुआ, वन हंड्रेड सेवन अपॉन टेन, थ्री है यहाँ पे, वन लेट कर लिया, मतलब हमने मान लिया अपने आप से, क्योंकि ये वन ही होगा यहाँ पे, अंडरस्टूड है। टेन टू जो ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टू कितना हुआ, ट्वेंटी टू अपॉन टेन, ओके स्टूडेंट। फिर इसके बाद आप देखें यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो टेन से टेन कैंसिल किया तो वन आया, वन से जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन हंड्रेड सेवन, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो टेन ही आ जाएगा, क्योंकि वन से जब टेन का, और टेन थ्री जो थर्टी, टेन का जब वन करेंगे वन आएगा, वन से ट्वेंटी टू, ठीक है, वन हंड्रेड सेवन ऐसे ही रखा, माइनस माइनस प्लस, तो थर्टी प्लस ट्वेंटी टू फिफ्टी टू, वन हंड्रेड सेवन से फिफ्टी टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिफ्टी फाइव अपॉन टेन। अब फिफ्टी फाइव अपॉन टेन में देखो फाइव के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो फाइव टू जो टेन, फाइव वन जो फाइव, फाइव वन जो फाइव, ठीक है। इसके बाद फिर अब ये देखिए इलेवन अपॉन टू, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालना, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में मेरा दे रखा था, ठीक है। तो आप जब टू से इलेवन को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, टू वन जो टेन, तो फाइव होल्स वन अपॉन टू, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 आपकी फेयर नोटबुक में लग जाए और कंप्लीट करके मुझे दिखाइए। ओके, हैव अ नाइस डे।